हेलो एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा। आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ आपको मैं चर्चा करूंगा इडियम्स एंड फ्रेज मैराथन की, और आप निश्चित रूप से इसे देखें और समझें और आप 2 नंबर पक्के करें। आइए शुरू करते हैं, जिसमें मैं 50 इडियम फ्रेज की चर्चा करूंगा। ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड का मतलब ये होता है जोड़ देना, मतलब किसी चीज को किसी आग में घी डाल देना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? किसी चीज को बद से बदतर करना, बद से बदतर कर देना। और इंग्लिश में लिखना चाहे टू मेक वर्स। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति। एन आयरन विल एंड ओल्ड फ्लेम, इसको बोलते हैं पुराना, मतलब होता है पुराना प्यार। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ जिसको बोला जाता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एट सिक्स एंड सेवंथ, अस्त व्यस्त, जो कि चीजें क्या हो जाती हैं, डिसऑर्डर्ड होती हैं, अस्त व्यस्त। एट द इलेवेंथ आवर, एट द इलेवेंथ आवर का तात्पर्य होता है 12 घंटे होते हैं, 11वां घंटा कौन सा होगा? तो हो जाएगा अंतिम समय पर। एट द लास्ट मोमेंट, पूरा सामान सहित। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान सहित। ध्यान रखिएगा इसके साथ विथ नहीं लगता है, कुछ बच्चे लगाते हैं विथ बैग एंड बैगेज, नहीं होगा। बीट अबाउट द बस। अचानक आई हुई विपत्ति। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक मिनट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होगा अचानक आई विपत्ति। बीट अबाउट बस, अपने बातों से हट जाना, अपने बातों से हट जाना। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन। बाय फेट्स एंड स्टार्स, अनियमित, इसी को बोलते हैं इरेगुलर। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ब्रीद वंस लास्ट, इसका मतलब होता है मर जाना। तो आपने समझा इन 12 एडियम्स को। आइए आगे देखते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब विवाद होता ही है, तो विवाद की जड़। बीट ब्लैक एंड ब्लू, खूब पिटाई। बाय लिप्स एंड बाउंस, दिन दुना रात चौगुना, बहुत तेजी के साथ। काक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी। कहानी स्टोरी मतलब मनगढ़ंत, मन से गढ़ के बनाई गई कहानी, उसको बोलते हैं काक एंड बुल स्टोरी। क्रोकोडाइल टीयर्स, दिखावटी आंसू।
डार्क हॉर्स, छुपा दुश्मन। एक चीज इसका और मतलब होता है, जिससे उम्मीद न हो वो बहुत अच्छा कर जाए उसको भी बोल सकते हैं डार्क हॉर्स। इसको ऐसे ना करिए, डार्क हॉर्स का मतलब होगा ऐसा व्यक्ति जो इसको कमजोर समझा जाए लेकिन अच्छा निकला। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट। फेयर सेक्स का मतलब होता है वुमेन, नारी को बोलते हैं। फेयर विद हर फ्रेंड, दिखावटी दोस्त, समय पर काम ना आने वाला दोस्त। गिफ्ट ऑफ गैब, अस्पष्टवादी, साफ सुथरा बोलने वाला। फोर्टी वीक्स का मतलब होता है झपकी। फिश आउट ऑफ वाटर, अनकंफर्टेबल। असहज महसूस करना। फोर्टिविक्स झपकी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है नैप। गिफ्ट ऑफ गैब, बिल्कुल जो अस्पष्टवादी व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं आउट स्पोकन। फेयर वेदर फ्रेंड, झूठा दोस्त। फेयर सेक्स वुमेन को बोलते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, ऑनेस्ट। डार्क हॉर्स, ऐसा व्यक्ति जो क्या है जिससे आप उम्मीद न करें लेकिन उस बहुत अच्छा, छुपा रुस्तम, इसको लिख सकते हैं छुपा दुश्मन नहीं, छुपा रुस्तम। क्रोकोटाइल टीयर, जैसे क्या होता है दिखावटी आंसू। काक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत, जैसे कोई कहानी आप अपने से गढ़ दिए उसको बोलते हैं काक एंड बुल स्टोरी। बीट ब्लैक एंड ब्लू, खूब पिटाई जोरदार तरीके से। बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। जैसे बाई लिप्स एंड बाउंस का प्रयोग आप आराम से करेंगे, जैसे बहुत तेज बारिश हो रही सो गई तो आप बाई लिप्स एंड बाउंस करेंगे, या कसन किसी तेज का विकास हो रहा है तो बहुत तेजी के साथ हो रहा है इसमें भी आप कर सकते हैं। आइए समझते हैं आगे। हरकुलियन टास्क, टफ टास्क, कठिन कार्य। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है कठिन कार्य। हिट द जैकपॉट, इनाम में किसी कार्यक्रम में या किसी बाजी में क्या करना, पुरस्कार जीतना, पुरस्कार जीतना। इन नट सेल, इसका मतलब होता है ब्रीफ में, संक्षिप्त में, इन अ ब्रीफ। कीप वन्स प्रॉमिस, वादा रखना, रखना। इन द लॉन्ग रन, अंत में। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंत में। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। दो निशान, एक तीर से दो निशान। वन पंथ, एक पंथ दो काज, इसका मतलब हो जाएगा एक पंथ दो काज। तो इसमें देख रहे हैं हरकुनिया टास्क, कठिन कार्य हो गए। हिट द जैकपॉट, इनाम में बड़ी राशि जीतना होता है। इन अ नट सेल, संक्षिप्त में। कीप वन्स प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करना। इन द लॉन्ग रन, अंत में। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने। लायन शेयर, लायन में तो जाने रहे बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हिस्सा, किसी चीज में बड़ा हिस्सा। मैन ऑफ लेटर, जिसको बोलते हैं लर्नड मैन, विद्वान। एब बोर्ड, ऑनेस्ट। इमान सर्विस, अच्छा कार्य। वाइट एलिफेंट, महंगा लेकिन बेकार, महंगा
लेकिन बेकार, कॉस्टली बट यूजलेस। यहाँ अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कॉस्टली बट यूजलेस, ऐसी चीज़ जो महंगी तो हो लेकिन क्या है, बेकार है, तो वाइट एलिफेंट है वो। टूथ एंड नेल विथ फुल एफर्ट्स, पूरे ताकत के साथ। स्टोन थ्रो वेरी नियर, नजदीक। बाइट द डस्ट, पराजित होना, हार जाना। बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना। टू बी डिफीटेड, इस चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखेंगे आगे। टर्न और डीप ईयर, ये ई है, किसी अनदेखा करना या अनसुना करना, अनदेखा करना या अनसुना करना, किसी की बातों पर ध्यान ना देना। अगर कोई कुछ कहता है आपने उसको अनदेखा कर दिया। स्पीक एंड स्पेन, इसका मतलब होता है साफ सुथरा। नीट एंड क्लीन, रिलेटेड डे, इम्पोर्टेंट डे, जैसे आप 26 जनवरी मनाते हैं तो हम लोग के लिए कैसा दिन है वो, रेड लेटर डे है। रीड बिटवीन द लाइंस, बहुत बढ़िया फ्रेज है, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है बारीकी से नजर रखना, बारीकी दिखाना। इसी चीज में क्या है, जो चीज बहुत बारीक है उस पर ध्यान देना। रैन कैट्स एंड डॉग, इसको बोलते हैं रैन हैवली, रैन हैवली, मूसलाधार बारिश। पार्ट एंड पार्सल, महत्वपूर्ण अंग, मतलब जिसे कहा गया कि कोई कंपनी का व्यक्ति है, बहुत अच्छा कार्य करता है, तो क्या है, उस कंपनी का पार्ट एंड पार्सल है। एट सी, टू बी कंफ्यूज्ड, दुविधा में पड़ जाना। बाय एंड बाय, स्लोली, धीरे धीरे। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। स्नैक इन द ग्रास, छुपा दुश्मन, ये है छुपा दुश्मन। स्नैक इन द ग्रास, कीप एन आई ऑन, नजर बनाए रखना। गिव द गोस्ट, मर जाना। एक मैं और ऐड करता हूं, मेडन स्पीच, पहला भाषण। तो इसमें आपने देख लिया है कि मेडन स्पीच मतलब पहला भाषण, गिव द गोस्ट, मर जाना। यहां से कुछ शब्द जरूर नोट करेंगे, डिमाइज, डिसीज, मर जाने के लिए कीप एन आई, ध्यान रखिए। यहाँ से कुछ फ्रेजल वर्ब देख लीजिए, कीप ऑन, जारी रखना। पुट, एक फ्रेजल वर्ब और एक कम एक्रास, अचानक मुलाकात होना। इस तरह से आपने देखा और समझा। आज मैंने आपको कवर किए हैं 50 एडियम्स एंड फ्रेज, बिल्कुल आप इसे देखें, समझें और नंबर प्राप्त करें। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।